सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। बालाघाट में कलेक्टर ऑफिस में चार जोड़ों का विवाह संपन्न। कलेक्टर कार्यालय में विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत 10 अक्टूबर को चार जोड़ों का विवाह कराया गया। विशेष विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री शिव गोविंद मरकाम ने नव विवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया, जहां कार्यालय महाप्रबंधक अखिल चौरसिया ने निभाई है। जहां दूसरी तरफ बालाघाट में ही लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कारंजा निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि पति ने पत्नी को अश्लील गाली गलौज देकर बेदम पिटाई की है। मारपीट में बांस के डंडे का इस्तेमाल किया गया, जहां पत्नी बुरी तरह से घायल हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक महिला ममता पति रामेश्वर बिलथरे बताया जा रहा है, जहां उन्हें 5 साल का एक बच्चा है। बच्चा पड़ोस में गया था, देर रात तक घर नहीं आया, इस हेतु में पत्नी को बांस के डंडे से पीटा और अश्लील गाली गलौज भी की गई। पुलिस ने अपराध धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। और वहीं दूसरी ओर प्रसाद लेने लाइन में खड़ी युवती से की गई छेड़छाड़। बालाघाट कोतवाली क्षेत्र का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 5 बेहर चौकी निवासी एक युवती के शिकायत पर मामला दर्ज किया है कि मोहल्ले की दुर्गा प्रतिमा में प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़ी थी, तभी आरोपी ने पीछे से आकर खड़ा हो गया और बुरी नियत से छेड़छाड़ की है। आरोपी का नाम संतोष बताया जा रहा है। उसके खिलाफ धारा 354 क भादवी की धारा लगाया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।